लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शहर के किसी कोने खुदरे में होती हैं ये हमारी कवाड़ियों की बस्ती। इस बस्ती की खास पहचान है हमारे प्यारे छन्नू खां सुहागरात इतर वाले। छन्नू चचा तमन्नाएं दिलों में जगाने के लिए हसरतों का सुरमा और मोहब्बत फैलाने के लिए मोहब्बतों का इतर बेचते हैं। वैसे इस बस्ती में 99% लोग हसरतों के सुरमे के ग्राहक हैं, तभी तो सब के सब 99 के फेर में पड़े हैं भैया। मोहब्बतों का इतर हसरतों का सुरमा, ले लो भाई ले लो, आ गया छन्नू चचा। अरे कल्लू पहलवान। और जिनका मैं जिक्र कर रहा था ना जी, वो ये हैं छन्नू खां सुरमे और इतर वाले। नहीं पड़ा ससुर को कौन है ये? नहीं, अरे बबुआ कहाँ गए सब लोग? सब लोग मैयत में गए। मैयत में? साला हर हफ्ते मैयत, और तू यहाँ क्या कर रहा है? चौकीदारी कर रहा है। चौकीदारी? जी। ये चौकीदारी बहुत ऊंचे जाओगे। क्या नाम है तेरे बाप का? पहले आप बताइए। तेरी भाई साहब क्या बताऊं? देखो जी, सिर्फ अमीर और बड़े लोगों की ही लव स्टोरी नहीं होती है जी। अब गरीब कबाड़ी लोग, इनके भी तो दिल होते हैं गे, और दिल तो है गे तो तड़केंगे। तड़केंगे कि नहीं? देखो जी, इनके तो निशांत गार्डन जो हैं, सड़ी गली, शहरों की गलियां, कचरे कूड़े के घूरे और डंपिंग ग्राउंड होते हैं गे। अब आप इनके बगैर शहर की कल्पना करके देखो। गंदगी, फटे पुराने कपड़े, चिथड़े खाली बोतलें, पिचके हुए डिब्बे, इन सब से शहर भर जाएगा। अब ऐसे इम्पोर्टेंट कर्मयोगियों के लव स्टोरी की कहानी तो बनती हैगी, है कि नहीं? कबाड़े कबाड़े
कबाड़ी कबाड़ी, ये अच्छे से देख लो, ढंग से तुल रहा है था। कबाड़ी कबाड़ी, रद्दी गद्दी साड़ी गाड़ी सभी ले आओ, अच्छे दाम ले जाओ। कबाड़ी कबाड़ी। और ये हैं जी अपने कल्लू कबाड़ी, छन्नू खां के सुरमे के ग्राहक। सुरमे की वजह से ये जहां है वहां से ऊपर जाना चाहते हैं, यहां तक तो आ गए। तो भैया, ये आपकी तो प्राइवेट है, हैं? और हमको देखो फुटपाथ पे मोत रहे हैं। और जनाब आली, ये हैं कल्लू की फेयर एंड पुअर स्वीट हार्ट चांदनी उर्फ चंदो। अरे ये देखो, ये तो दैला निकला, रानी नहीं मिली अभी, चलो इनसे मिलिए। चंदो के भाई फेयर हैं, अब क्या कहें, आप खुद समझ जाएंगे। भूरिया मदारी, अरे चिची आ गई, मोहब्बतों के इधर के ग्राहक। और ये तुम्हारी, ये हैं कल्लू के चड्डी बड्डी यानी लंगोटिया यार। अरे कल्लू भैया, काय बात की पार्टी आएगा आज? बच्चे समझ लो के हमने तुम्हारी भाभी फाइनल कर दी। अब पियोगे काय में, ना गिलास है ना कुल्लड़ है। क्या जरूरत है कुल्लड़ सुल्लड़ की, चुल्लू तो है ना। कट्टे नामक बच्चा पैदा करने के बाद जब पेट में मीठी ऑन द वे थी, तब फिल्म लावारिस के अंजाम ने इन्हें शादी करने की प्रेरणा दी। देखिए पुत्र कट्टे कैसा नाच रहा है पापा की शादी में। सबसे अरे फत्ते फजलू, कल्लू कुर्सी तो बड़ी जबरदस्त ले आया तू। छज्जू चाचा, ये मिनिस्टर की कुर्सी हैगी। दिमाग खराब हो गया इसका। नेताजी के चूतड़ नोचती रहती है। अरे जरा से मेरे भी नचवा दे। चिराड़ा छाए रही है नचवाने की। बैठो 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 बैठ जा बैठो। अरे उनके नोचती है जी, हमारे तो सहला रही है जी। चाचा गरीब के हल्के हो गए, वहां तो बेचारी भ्रष्टाचार के वजन से दबी रहती थी, लेकिन जहा तो हवा में झूल रही है जी। कुर्सी तो इसी बात पे हो जाए, छज्जू चाचा के चौकी। अरे यार जिंदगी को एक फोन तो लगा। हेलो, बिन बोए खेत सी ये क्यों रखे, मुट्ठी में रेत सी ये क्यों रखे, बिन बोए खेत सी ये क्यों रखे, मुट्ठी में रेत सी ये क्यों रखे, है मुझको उससे जरूरी कोई काम, पूछो तो उसका क्या है प्रोग्राम, हर जिंदगी को फोन तो लगा, उसके लिए एक बेड बना,
उसके लिए एक बेड बना, हाँ उसके लिए एक बेड बना, उसके लिए एक बेड बना, हाँ उसके लिए एक बेड बना, उसके लिए एक बेड बना, हाँ उसके लिए एक बेड बना। लुत्फ है सुरूर है एक हसीन शाम है, जैसी भी है जिंदगी तुझे मेरा सलाम है। हार जीत जिंदगी खेल सी है जिंदगी, दौड़ती है यार साली रेल सी है जिंदगी। हाय पीने का उसूल है कि पीना और टुन टुन, अपना भी उसूल है कि जीना और टुन टुन, पीने का उसूल है कि पीना और टुन टुन, अपना भी उसूल है कि जीना और टुन टुन। डर जाएगा इगो बोतल बड़ी हो, टेस्ट जाग जैसा हो लेवल बड़ी हो, दिन तो बस पसीना है शाम ही का जीना है, दिन तो बस पसीना है शाम ही का जीना है, एक खुशी को फोन तो लगा, अरे यार जिंदगी को एक फोन तो लगा। अरे जिंदगी को फोन तो लगा, देखो जी असली गजब तो ये हैगा, बैठो कि कबाड़ और कबाड़ी की किस्मत में फर्क ये हैगा, कबाड़ की किस्मत नहीं बदलती हैगी, नहीं बदलती, पर कबाड़ी की बदल सकती हैगी। अब देखो ऐन वक्त पे कल्लू के नाना अल्लाह ताला की मेहरबानी से खुदागंज पहुंच गए और जमीन छोड़ गए, जमीनों के भाव आसमान छू रहे रहते थे। कल्लू की चांदी, एक फैक्ट्री वाले ने कल्लू की जमीन खरीद ली और चंदूपति से बन गए कल्लू लखपति। पैसा आते ही कल्लू ने कबाड़ियों से पीछा छुड़ाया, रुतबा जो बनाना था, घर बदले, नाम बदले, हुलिया डिजाइन किया और कल्लू बन गए। अब हम के साहब हैं, तू एक शरत पर ही रह सके, आप जो कहें जीजा जी। कबाड़ियों से कोई नाता नहीं रखेगा। ये कबाड़ी क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। बबली बबली, अपने जीजा जी अब कबाड़ी नहीं है। कट्टे कल्लू भूरिया और सबसे बड़ा इंग्लिश स्कूल। जीजा जी 3 किलो का तो है ही हैगा, ठस्सी का क्या। वैसे हम तो जमींदार हैंगे, गांव के झा का तो हमें कुछ पता नहीं हैगा। देखो दान पेटी में चंदा जितना डलवाना है डलवा लो, उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। नो प्रॉब्लम मिस्टर केके, यू आर माय चाइल्ड, टेल मी। ओह नाम बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताओ बेटा। चमन, चमन, चमन रहेगा। जीजा जी लौंडे को चमन बना दिया। कुछ सुनाओ बेटा, कोई गाना कोई पोएट्री सुनाओ, सुनाओ घबराओ नहीं। कबाड़ी चम्पी तेल मालिश, पानी तो बहुत ठंडा है। ए पप्पू कल से इस पुल में गीजर लगवा दो। जी सेठ जी, जो आज्ञा हो आपकी।
क्या हो गया? खबरदार, जब बड़ भी कभी अपनी जबान पे लाए तो। इतने बड़े स्कूल में पढ़ा फिर भी पांचवी फेल कहीं का। सॉरी पापा। यक, वो पूरा घर दंतमंजन से भर रखा है। मामू मम्मी ना कभी नहीं सुधरेंगे। बस क्लास बनी तो मीठी की, अंग्रेजों वाली। देखो इतना गंदा कर रखा है। जी अपना बाथरूम यूज कर लिया कर तू। लो हाथ धोने के लिए भी ऊपर जाओ। जे नहीं सुधर रहेंगे। मैं जा रही हूँ। अब क्या हो गया हैगा? आप लोगों की ना कोई क्लास है ही नहीं। सब कुछ तो है मीठी घर में, अभी क्लास क्लास क्या आएगी? आप लोग टॉयलेट जाते हैं लेकिन फ्लश नहीं करते। बुरिया। अरे टीवी पे सारा दिन दिखाते रहते हैं जीजी पानी बचाओ पानी बचाओ। तो मैंने भी आर्डर पास किया हैगा, एक बार जब सारे निपट लें तो सबके किए किराए पे पानी फेर दो। सुरमा तो चमन ने भी लगाया, पर अपने से बढ़कर इन्हें लोगों की फिकर हुई और बिजनेस बनाया दुर्लभ। यानी इनके ब्रांड का नाम है दुर्लभ। पूरे यूपी में 150 दुर्लभ शौचालयों का मालिक है हमारे चमन। लाखों का टर्नओवर है पर कलेक्शन खुद ही करती है विदाउट एनी घमंड। वृद्ध और अनंत ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं, अनगिनत स्वर मंडल और सोलर सिस्टम, और उनमें हमारी नन्ही सी पृथ्वी। ए भगवान। कौन? मैं। अरे मैं कौन भाई? मैं भगवती प्रसाद। अरे अरे पंडित जी। जी हाँ नमस्ते, राम राम, कैसे हो? क्या करें, पानी नहीं है। क्या पानी नहीं है? ये तो सरकारी शौचालय जैसी बात होगी, इसको बताना पड़ेगा चमन बच्चे को अपने। ऐसे कैसे धंधा चलेगा ससुराल? अरे पानी नहीं तो क्या? अच्छा हाँ ठीक है। अरे चलो शुक्र है हमारे पास पेपर है, अखबार है भाई। अरे ये लो पंडित जी। हाँ हाँ दीजिए ना। पंडित जी हाँ देखता हूँ इसमें काम हो गया तो ठीक है। अंदर जा रहा, ये लोग हम आएगा अंदर पक्का। अरे चमन ये बात आये ला भैया, चमक आ गई। देखा मोहब्बतों का इत्र का कमाल। चम मिजा आ गया, जिंदगी महक रही है मेरी मोहब्बत। अच्छा तेरे अब्बा को मैंने हसरतों का सुरमा दिया था, चल रहेगा ना? हाँ चल लिया है। अच्छा बेटा एक बात सुनो, इतने इतनी अच्छी ये शौचालय बना ली है, पर सरकारी शौचालय की तरह इसमें पानी नहीं है। अब वो तो शुक्र है अल्लाह का कि मेरे हाथ में अखबार था भाई, मेरे भी काम आ गया और पंडित जी के भी काम आ गया है। कम से कम बाहर लिख तो देता ना कि पानी नहीं है अंदर। चचा मैं ध्यान रखूंगा। थप्पड़ था। अरे जे टट्टी के हाथ लग गया, तू पानी लेके आ जल्दी अंदर से। चचा वो नहीं तो हाथ तो धो लेते। अरे हाथ वो नहीं धोते। बोलो भाई तुम। चमन भाई डालीगंज में टट्टियां और खुलवा लो, ये मेरी राय। लोग जगह जगह हगने जाते हैं। जे एप्लीकेशन लगा दी है गारमेंट में है जे हैगा आप लोगों का पेंशन वाला चेक। जे लो फजलू चाचा। अरे जुम्मन चाचा फजलू चाचा, बस दुआ करो कि अपना बिजनेस खूब बढ़े और आमदनी खूब होए। जे अपने शौचालय में हगने वालों की लेन लगी रहे। चमन भगवान तेरी मुराद पूरी करे। बस चाचा दुआ करो कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। आमीन। दुआ कबूल और मंगनी की सारी तैयारियां भैया चंदो ने संभाली, खुदा खैर करे। वाह केके साहब जबरदस्त अरेंजमेंट किया है आपने। शादी में क्या होगा? देखिए जो कुछ किया है हमारी मिसेज चंदो देवी ने किया है। मैं जी कह रहा था जबान मत खोलना, मेहरवाल जैसे रिश्ते ना
बार बार नहीं आते हैंगे। तू बस देखता जा, ऐसा इंप्रेशन डालूंगी भूलोग भी सोचेंगी कि रईसों से माला पड़ाएंगे। और जो चंडलियर देख रहे, जो बल्ब की छड़िया जो हमने बाहर से कहां से मंगाई, लुल्लू है, लुल्लू से मंगाई। चमन दीदी, तुम्हारे चेन ऑफ रेस्टोरेंट किस नाम से है? दुर्लभ चेन ऑफ रेस्टोरेंट प्राइवेट। तुम्हारे रेस्टोरेंट की कौन सी डिश सबसे अच्छी है? कभी गए तो ऑर्डर करूंगा। नसीब से हम लोग ये मौका पाए हैं कि आप जैसे लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। हाँ, टूट जाता ये दिल गर आप ना आते, फिर हकीकत किसी की हम किसको सुनाते। वाह वाह वाह, ये शाम गजब की आई है, महफिल पे जवानी छाई है। ये शाम गजब की आई है, महफिल पे जवानी छाई है। एक बात जहन में आई है, अपने लोगों की सच्चाई है। वो बात सुनी सुनाई है, चुप रहने में ही भलाई है, चुप रहने में ही भलाई है। ये शाम गजब की आई है, महफिल पे जवानी छाई है। कुछ फल मंगाए? नहीं, हम किसी के हाथ का छुआ हुआ कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। एक बालक रखा हुआ है जो पार्ट टाइम कथावाचक है, बस उसी के हाथ से जो कुछ भी कंदमूल मिल जाता है उसी का ही सेवन करती। दुनिया अभी वही हमारी, गलियों में और कूचों में, टूटे फूटे फटे पुराने सामानों की शक्लों में, हर घर से जब करें इकट्ठा तब कहीं चूल्हे जलते हैं। नाकारा सामान भला कहाँ नसीब बदलते हैं। हैरत हर दिल पर छाई है, कल्लू ने क्या किस्मत पाई है। ये शाम गजब की आई है, महफिल पे जवानी छाई है। ये शाम गजब की आई है, महफिल पे जवानी छाई है। याद ना आए क्या वो मोहल्ला, अथा गाड़ी और वो ठेला। ओ तुम्हें मुबारक हो जी ठेला, हमसे ना तुम करो झमेला। रद्दी प्लास्टिक की दुनिया, लोहा पीतल की दुनिया, इसके आगे की सोचो, रहेंगे खुश मुन्ना मुनिया। और चप्पा चप्पा पूछ रहा है आखिर अपना भाई कहाँ है। अरे ऑफ करो ना मूड हमारा, अरे ऑफ करो ना मूड हमारा, यहाँ पे देखो शाम जवां है। कहो कैसी हमने सुनाई है,
चुप रहने में ही भलाई है ये शाम गजब की आई है महफिल पे जवानी छाई है चमन की ठेकी की टट्टियों पे कलेक्शन करता हैगा और इसकी माँ अमनपुर की टट्टी है ना हमारी वहां नौकरी करती हैगी। हाँ, क्यों बढ़िया जब जब चमन के रिश्ते टूटते हैं कल्लू का दिल टूट जाता है। के ऊपर अब 2 घंटे इनका पार्लियामेंट का सेशन स्टॉप। मुझे समझ में नहीं आता हैगा ये 2-2 घंटे जिज्जा जी करते क्या आएंगे। जिज्जी को भी नहीं जाने देते मैनू की रद्दी गद्दी साड़ी गाड़ी कवाड़ी 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 सारी कटे मुझे माफ कर दे मेरे कारण तेरे सारे रिश्ते हर में सब हिलाप हो जाते होंगे। मेरी समझ में नहीं आता मैं ऐसा क्या बोल जाती हूँ। सच बोलने की इतनी बड़ी सजा। मैंने जे तो ना कहा मम्मी कि तुम झूठ बोलो बस सच भी मत बोलो। जे हमारा सच बहुत ही बद्दा हैगा। सच ना सुंदर होबे है ना भद्दा सच सिर्फ सच होबे है। मुझे बता जे तू झूठ बोलकर शादी करेगा तो दिल पर बोझ लेकर चैन से सो सकेगा क्या। मैं तो ना सो सकूं कट्टे इसीलिए तुझे समझाना चाह रही हूँ। हम गरीब थे वो भी एक सच है हम अमीर होंगे ये भी एक सच हैगा। अब इसमें झूठ की गुंजाइश कहाँ से आ गई। बात तो मम्मी तू कहती तो गलती है बस सही जैसी लगती है। अपनी क्लास बनाने को कल्लू फिर से चले अंग्रेजी सीखने 25वीं बार। तो ठीक है आपको हम 30 दिन में इंग्लिश कैसे बोलते हैं वो भी सिखा देंगे और आपकी ग्रूमिंग भी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है लेकिन हमारे गुरुजी तो इटावा के साइड रहते हैं। अरे नहीं नहीं गुरुजी नहीं ग्रूमिंग मतलब है कि आप बड़े लोगों में कैसे उठते बैठते हैं कैसे बोलचाल है वो होता है ग्रूमिंग तो वो भी सीख जाएंगे आप। अरे मैडम जी ये बहुत अच्छी बात है बहुत ही अच्छी बात है बोलो। नहीं हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे बाद ना हमारी मिसेज चंदो को भी कुछ सिखा दो आप। दिन भर शहर में घूमती हैगी कुछ काम है कर लेकिन ध्यान रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम आपसे सीख रहे हैं। जी बिल्कुल किसी को पता नहीं चलेगा पर आपकी जो मिसेज है वो आप ही के साथ सीखेंगे। नहीं 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 वो अलग और मैं अलग तो मैं प्राइवेट सीखूंगा। तो पहले हम अल्फाबेट से शुरू करते हैं ठीक है। ए फॉर एटा और एक से हेलो हाँ अच्छा तेजी से आ गई हाँ अच्छा मैं आ रही हूँ हाँ जल्दी 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 हमारी मैसेज माई मैसेज यस देवी आ गई
कम देवी देवी आप चलो हमारे से खुद देख ले आओ आओ चलो फटाफट चलो आप इशारा थे जी माता की इशारा थे चंदो को इंग्लिश बिंग्लिश नहीं सिखाना आएगा नहीं सिखाना माता की जय माता दी बोलो जय माता दी क्या बे गल्ला कैसा उठा आज का जी बस ये सेठ जी 250-300 के आसपास होंगे सब मिला के 250-300 हाँ अबे आगरा मथुरा ऋषिकेश देहरादून सब गाड़ियां तो निकल गई है डालीगंज से महानगर तक के बस अड्डे पे तो बड़ा अच्छा कलेक्शन हुआ है तेरे यहाँ की पब्लिक को कब्ज हो गया क्या हगने वालों की तो लाइन लगी हुई है सुबह से मगर 3 संडास पुलिस वाले घेरे बैठे हैं और 2 बस स्टैंड के लोग आप ऊपर अधिकारियों से बात करो ना ये फ्री में हगने की नहीं चल रही यहाँ पे सुन बे जितनी तेरी उम्र है ना उतने साल हो गए मुझे इस धंधे में समझ रही है तू 150 साल चल लिए हैं मेरे केस के धंधे मेरा फ्री मत करियो बस समझ ले तलाशी लूं तेरी क्या नहीं नहीं भैया भैया वो बात ये है कि लड़की समझ में आ गई है इसका चक्कर है यार चल देता हूँ तुझे कुछ मैं ये ले रख ले ओके ठीक ठीक है भैया यू कीप द चेंज बिहेव अच्छे घर के रिश्ते टूटने के बाद चमन फिर से दुर्लभ में लीड हो जाते हैं लेकिन छन्नू खां के मोहब्बतों के इतर ने काम कर दिखाया भैया शैली को देखकर चमन का दिल धड़का फॉर द फर्स्ट टाइम गया इश्क तेरा मेरी रूह में बस गया इश्क तेरा मेरी अखियों में चमके नूर तेरा मेरी रग रग में है जलवा तेरा मेरी हर धड़कन करे नाज तेरा करे नाज तेरा करे नाज तेरा अखियां तेरा रास्ता निहारे तेरा तकिया वे रूप सुनहरा सपना सजा के तेरा एक बार तो आजा दिल जोड़ जरा तेरा इशारा दे दे जीने का सहारा दे दे तेरा इशारा दे दे जीने का सहारा दे दे तेरे बिना जिया जाए ना तेरा वो इशारा दे दे जीने का सहारा दे दे तेरा इशारा दे दे जीने का सहारा दे दे मेरी रूह में बस गया इश्क तेरा मेरी अखियों में चमके नूर तेरा मेरी रग रग में है जलवा तेरा मेरी हर धड़कन करे नाज तेरा झूमता तेरे इश्क में हूँ इस कदर दिल क्या करे झूमता तेरे इश्क में हूँ इस कदर दिल क्या करे सोचता कुछ भी मगर हर सोच में तू ही रहे तेरे नैनों से हम जुड़ने लगे बन इश्क परिंदे उड़ने लगे तेरे नैनों से हम जुड़ने लगे बन इश्क परिंदे उड़ने लगे एक बार तो आजा दिल छोड़ जरा तेरा इशारा दे दे जीने का सहारा दे दे
तेरा इशारा दे दे, जीने का सहारा दे दे। अखियां चाशनी की तरह गाढ़ा हो गया। सली, सली। बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या कहना चाह रहे थे? बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था कि वो बोलो ना, तुम इस क्लब में रोज आती हो। शैली की दादी कहती है जब किसी औरत को बड़ी उम्र तक मर्द का टच ना मिले तो उसे टच सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है। चलो, शैली तो टच सिंड्रोम से बच गई, लेकिन खतरा यह है कि शैली का पापा राजेंद्र अरोड़ा कबाड़ियों का जानी दुश्मन है। मैंने कहा था ना कि इस घर में कबाड़ी वाला और कचरे वाला नहीं आएगा, मुझे नफरत है उनसे। ये कैसे आ गया? गोली मार दूं वैसे तो मैं। बाल ब्रह्मचर्य नहीं तो युवा ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, जीवन ऊर्जा का पुंज है और स्त्री पूरी की पूरी ऊर्जा खींच लेती है। ये बीवी के अलावा आपने देखा होगा, बस यही देखते हैं। टिल्लू पंप, स्त्री बड़ी मोटर है तो स्त्री से जितना दूर रहे उतना अच्छा। एनर्जी बचाइए और स्त्री से हमेशा 2 फुट दूर रहिए। इसलिए स्वामी जी जो भी कहते हैं आप अंदर बोल क्या का पालन कीजिए। क्या? और इस जगत में फिर दौरा पड़िया सी। मैसी पुत्र, मैसी पुत्र, उठ, 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 तेरे डॉक्टर को ले जाना है। उठ, खिली तबीयत कर पाएगी। मैंने कहती सी इतना ब्याह करा दो, पर तुसी लोग मेरी गाली नहीं सुनते हो। अरे इन्नी उम्र हो गई, मैं कहती हूँ किसी भी जात का होए, किसी भी उम्र का होए, इधर ब्याह करा दो। अरे एनु टच सिंड्रोम होया हैगा। ओए बीजी, एनु कोई टच सिंड्रोम नहीं होया है, एनु डकारा था तौरा पड़िया है। मेरा नाम है परमिंदर, प्यार से लोग मुझे मम्मी कहते हैं। राजी क्या? कुछ नहीं जी, कुछ तो कुछ नहीं। तुसी मम्मी हियर की गल है? वो एवी ना मम्मी क्या मैं की कह रही हूँ, तुसी किसी डॉक्टर नु क्यों नहीं दिखा लेंदे हो? क्यों क्यों है? मैनू गल है, तुसी मैनू इतने साल से छोए ही नहीं है ना। ओए पम्मी ठंड कर, तेनू शर्म नहीं आती है कि बुढ़ापे विच जवानी की आग लगी है? जा ठंडे पानी विच नहा ले, खाली पीली एनर्जी वेस्ट ना कर। एनर्जी बचा के तुसी पार्लियामेंट की बत्तियां जला दी है या बिन बिजली की ट्रेन जला दी है? ओए बम्मी बस। मिठी, हमारी दोस्ती को लेकर कितना टाइम हो गया है, लेकिन तुमने आज तक अपने पेरेंट्स से मिलवाई नहीं। जल्दी मिलवाऊंगी चाइल्ड। प्लीज मिठी, आई एम सीरियस, मेरे मॉम डैड सही में मिलना चाहती तुम्हारे पेरेंट्स से। आई नो, जस्ट ट्रस्ट मी चाइल्ड। और अब हम कुछ और बात करें प्लीज। ओके, चलो कोई स्वीट सा रोमांटिक गाना गा दो। When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. बुढ़िया जी, कल लौंडा बता रहा था इन कचरा पिट्टी बिनने वालों के तो दिन फिर गए।
इनकी तनख्वाह सरकार ने 20,000 कितने 20,000 से शुरू की है और खत्म हुए है 50,000 पे जाके। कचरे की नौकरी वास्ते नीचा बनने को बड़ी बड़ी जात वाले तैयार हैंगे और एक अपने कल्लू जीजा जी हैंगे। कल्लू ना का के जीजा जी, जे छुपाओ वो छुपाओ, किसी को मत बताओ कि हम क्या हैंगे। कसम से जीजी, कभी कभी ना मीठी के लिए भूरिया मामू रिश्ता लाए हैं, मुलाहिजा फरमाइए। हमारे इतने बड़े घर में आपका स्वागत है। ओहो भाग्य, ओहो भाग्य। ये सामने हैगी मीठी की फोटो। ओहो, इसने अंग्रेजी स्कूल से पढ़ाई की हैगी। क्या बात है प्रभु। आइए 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 बहन जी। ये देखिए केके जी को छत का बड़ा शौक है, तीन तीन छत हैंगी। आइए आइए आइए, ये देखिए एक दो वो बड़ी। हाँ हाँ, और ये नहाने के दो दो। दो दो का है? ये जनानी वो मंदाने। इसमें रोज रोज नहाते होंगे? नहाते धोते सब हफ्ते में दो बार। नहाते भी है दो। केके जी जी जी, हमारी फैमिली आती है। जे लाल वाली है नी गोरी सी सोने से लदी हुई, वो हमारी है। हरी जिंजी। और वो पीली वाली जो है वो इनकी लुगाई है। भाग के आई थी, मतलब बड़े भाग से आई है। और बीच वाली तो आपकी है ना? हाँ, वो तो एक ही है। प्रणाम माता जी। अच्छा वैसे आपको हमारा लखनऊ कैसा लगा? मुंबई से तो छोटा है। क्या बात है अंकिल, वैसे मीठी की फोटो देखी मैंने। हाँ। आई एम थॉटिंग गुड अट्रैक्ट है और मुझे लगता है कि शादी जल्दी सेटिंग हो जानी चाहिए अपनी, ताकि अपने को वैसे लफड़ा नहीं है, लेकिन मुंबई रिटर्निंग रिजर्वेशन डिफिकल्ट है। हमारी मीठी के साथ शादी की बात फाइनल हो गई तो वापसी जो है फ्लैट में भेज देते हैं। जी, ओ, बिल्कुल, क्या बात है। आपको और दिखाते हैं। जी 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 जी, थोड़ा ऊपर पहुंचा। आइए 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 आओ जी। ये भी आ गए जी हमारी घर वाले मेहमान आ गए हैं। आइए आइए आजा आजा इधर आजा। ये मीठी को ला आती पार्क है जी। और ये हमारे चैन ऑफ रेस्टोरेंट चल रहे हैं। आपका बिजनेस क्या है? बहुत बड़ा बंगार का है। स्क्रैप डीलर अंकल। स्क्रैप डीलर डीलर हैंगे जिज्जा जी। पापा बस रहे। वैसे अंकल, अगर आसपास कोई 5-स्टार होटल होवे तो अपन लोग सेटल हो जाएंगे हैं? अरे यार इतनी बड़ी कोठी काहे को हैगी। कोई परेशानी हो तो बोलो। वैसे हमारे गेस्ट हाउस की है। ओ भाग्य, ओ भाग्य। केके जी अपनी मीठी। मीठी ओके मेहमान। मीठी जी है मुंबई के सीताराम जी और वो है इनकी माता जी और जे है इनके पिताजी। कंफर्म कंफर्म। हेलो नमस्ते, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इनसे अंग्रेजी में बात करें। क्यों भाई, इनके तो सर के ऊपर से चला जाए। कर ली अंग्रेजी में बात की। हेलो अंकल जी, हेलो आंटी जी, ओके सीताराम जी, बाय बाय बाय। आपकी कंटवेट पे पड़ेगी। क्या मस्त जगह है बापू, एक नंबर। पर बापू आई बंगार वाला काय को बोली? तूने संभाल लिया? संभाल तो लिया लेकिन समझा करो बापू, पार्टी बहुत रिच है, एक बार शादी हो गए तो अपन सेट है, समझे? अरे विठल बाबा सब ठीक करेंगे। लोग की संडास भी अपने खोली से पड़ी, समझा करो। ए रिक्शा इकड़े आ भैया। आ भैया चलो गोमती नगर। गोमती नगर आए। अरे एक मिनट रुक रुक भाई, पप्पू चाट भी हो जाए। लड़का अच्छा है का, बस बोलता जरा कम है। हाँ हूँ, थैंक यू, ओके। अरे तू रही गमार की गमार, वो बड़े लोग हैंगे इसलिए हिंदी नहीं आती हैगी। एस्केप डीलर, एस्केप डीलर का मतलब समझती है तू?
ए भूरिया, ए भूरिया। हाँ जी जी, ऊपर आइयो जरा। जी जी जी, फिर से गैस की प्रॉब्लम हो गई क्या? जी बता, जे एस्केप डीलर क्या होता है? एस्केप डीलर, केप का मतलब तो टोपी हो गया है जीजा जी। अब उसके पहले इस का मतलब उस, आप तो डीलर पे फुल स्टॉप लगाइयो जीजा जी, हैं? वो अपने बिरमानी साहब है ना, स्कूटर के डीलर रहेंगे, बहुत बड़े आदमी है, बस डीलर याद रखो आप, हैं? प्रॉब्लम नहीं, मैं तो डर ही गया था, फिर से जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। भैया चाय रखिए। भैया मीठी जिले, कुछ परेशान दिख रही है ये। क्यों ना दिखूं? क्या घर वालों ने इतना रायता फैला रखा है? पता नहीं उस जोकर सीताराम से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तो उसकी फिक्र छोड़, उसकी कुंडली मैं निकाल लूंगा। तुझे सैली से मिलवाना चाह रही हूं। एक शर्त पे, तुम्हें भी चैंग से मिलना पड़ेगा। ठीक, उसे भी देख लेंगे। मैं ग्रीन सिग्नल ना दे रही हूं, फाइनल मत करियो। ठीक है ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारे अलावा और किससे मिला सकती हूँ? एक तुम ही हो घर पे जो थोड़े ठीक ठाक हो, पर हाँ अपने टॉयलेट्स के बिजनेस के बारे में प्लीज मत बता देना। तो भैया ये है बिशु, बिशु के डैड मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी हैं। अरे वाह। हेलो चमन भैया, मिठी टॉक्स अ लॉट अबाउट यू, शी सेड दैट यू आर अ वेरी लविंग ब्रदर टू हर। मिठी हाय जी। मीठा कहाँ से मिलाएगा तुझे? जे बड़ी इंग्लिश बोल लिया है, जे पिटेगा आज मेरे से। भैया तो बिशु तुम क्या करते हो? आई स्टडी MBBS थर्ड ईयर। घर में एक डॉक्टर, लकी गर्ल। जी मेसी बुआ का इलाज कराना है। छन्नू खां के मोहब्बतों के इतर ने इन सब पर जादू सा कर दिया है। मोहब्बत है ही ऐसी वाला भैया। ओ थारी मां की, ओ थारी, ये तो गजब हो गया भाई, गजब। कहां गजब आएगा? अरे देखो तार पे चिड़िया बैठी है, चिड़िया। हाँ तो इसमें गजब क्या हैगा? आप बैठ के दिखा दो। अरे चन्नू मियां, सुबह सुबह हमारी खिंचाई करने लगे। लो उड़ गई। चन्नू खां चिड़िया उड़ा रहे, पर ये कबूतर यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये तो अपनी मिट्टी हैगी। गुड नाइट। बाय मिट्टी। और घर पे, घर पे सीताराम का क्या होगा? बाय बाय बाय। देखा, ये तो चीनी हैगा। वो चीनी नहीं हैगा। चीनी नहीं हैगा? बड़े देखे चीनी मैंने, चपटी ना। अरे वो मणिपुरी हैगा। तो जो चीनी को मणिपुरी कहते हैंगे के? मैं मीठी के कमरे से मैप ला रही हूँ। चिट्ठी फेलू तो क्या हुआ, पाची पास भी तो हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मीठी को चीनी ने फांस लिया है। यार मुझे जे याद आ रहा है कि एक बार छज्जू चाचा बता रहे थे कि जब मैं छोटा था तब चीनियों ने कर ली थी हमारे साथ लड़ाई, पदा पदा के मारा था। किसे मारा? अपने
और ललकार फिल्म में धर्मेंद्र को भी तो चीनियों ने ही मारा है। छज्जू चाचा जी भी बता रहे थे कि उन्हें पक्का डॉट है, पूरा सा पूरा, कि नेहरू जी की जिंदगी को भी ना चीनियों ने फिनिश कर दिया था। ये लो, अब चाचा नेहरू के बाद हमारे घर का लंबर लगाया है कमबख्त चीनियों ने। मुझे तो नफरत हैगी चीनियों से। देखो जी, हैगा भारत और जे हैगी अपनी नखलाउ। अरे चुप कर, जे हैगा मणिपुर, जे अपने देश में ही हैगा, बस थोड़े से नए नक्श अलग होते हैं। इसका मतलब जे हैगा कि भारत ने चीन पे कब्जा कर लिया हैगा। जीजा जी, मैं कहता था ना मोदी जी एक दिन कमाल करके दिखाएंगे, लेकिन अच्छे दिन इतनी जल्दी आ जाएंगे जे नहीं सोचा हैगा। पापा मैं जे कह रहा हूँ कि चैंग के पिता ना बहुत बड़े ऑफिसर हैंगे, पर्यावरण मिनिस्ट्री में अपने को ठेका वेका भी दिला देंगे। चलो वो तो ठीक है, लेकिन सीताराम अच्छा रिश्ता है, स्क्रैप डीलर है, मीठी राज करेगी। जय वो उस स्क्रैप डीलर को कह दियो कि अपने लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ ले वे। मैं अपनी बहन मीठी की शादी किसी अनपढ़ कबाड़ी से नहीं होने दूंगा। कबाड़ी जी, स्क्रैप डीलर का मतलब पता हैगा? कबाड़ी का धंधा। अनपढ़ नॉनसेंस फैमिली, गलती से मिस्टेक होगी है कि कबाड़ी मेरी बेटी के साथ शादी करने के सपने देख रहे आएगा। ये देखो, गुनाहों की चड्डी पे लगा के बिरादरी के दाग, जब धोने लगे लल्ला तो निकल गया जाग। शेर अच्छा है, बाद में मतलब समझा। अच्छा। अभी समझाता हूँ, अभी वापस पवेलियन की ओर लो। Excuse me. क्या रे? तू दिल का ही को तोड़ी रे अपुन का? क्या कबाड़ी इंसान नहीं होते क्या? नहीं सीताराम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट आप मेरे लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर हैं। बट कैरेक्टर बोले तो? कैरेक्टर बोले तो आप थोड़े लेट हो गए सीताराम जी, मेरा दिल ऑलरेडी किसी के प्यार में बुक हो गया है। ये चीनी साले पूरी मार्केट पे कब्जा किए। चीनी नहीं मणिपुरी। कोई नहीं, ऑल द बेस्ट मीठी। लेकिन देख मीठी, तेरा चीनी मोबाइल ना, उसकी कोई गारंटी नहीं, 3 महीने में फट जाएगा। लेकिन अपुन तेरे लिए वेटिंग पे, तू कभी भी मिस कॉल मार, अपुन स्पेशल तेरे लिए वेट करेंगे। यू आर सो क्यूट सीताराम जी। एनीवेज आपको अच्छी लड़की मिल जाएगी। ओके टेक केयर, बाय बाय। सेम टू सेम जे, 44 45 जे हिसाब बराबर हैगा ना? हाँ सब बराबर है। ये क्या भैया, इतने छोटे से बस स्टैंड पे लाके पटक दिया। तू ज्यादा बड़बड़ा मत, समझ लिया हैगा? अपना धंधा फैला रही हूँ मैं। ये मेरी तरफ से। सैली, तुम्हारे तो 150 रेस्टोरेंट चल रहे थे ना? वो क्या झूठ कहा था, मेरे 150 शौचालय चल लिए। धोखेबाज। अरे जब लाल किले से शौचालय की बात की जा सकती है तो बिजनेस क्यों नहीं किया जा सकता? बस ये हिस्ट्री हैगी हम कबाड़ियों की। मैंने तेरे से हर बात झूठ कही हैगी, पर एक बात सच हैगी कि जो मेरा प्यार हैगा ना, जे सच्चे बाला है। तुझे विश्वास तो नहीं हो रही आएगा, पर जे ही सच हैगा।
ठीक है, मुझसे एक वादा कर, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तुम ये बात पापा को नहीं बताओगे। पूरी कहानी सुनने के बाद आखिर प्यार की जीत हुई और शैली चमन की हो गई मॉडर्न लड़की जो ठहरी। हमारे प्यार की निशानी थोड़ी छोटी हैगी। अब देखते ही रहोगे या फिर मुझे मेरी लाइफ की फर्स्ट किस भी दोगे? प्यार करूंगा इन आंखों को। तो से रास कुछ ना आए रे, रोम रोम में तू ही सजना और कुछ ना भाए रे। गुदगुदाए तेरी बतिया मन ही मन मुस्काऊं, चल पड़ा कैसा ये प्यार का सिलसिला है जुड़ा तुझसे अब मेरा हर रास्ता। साथ ना हो अगर एक पल भी तेरा, तोड़ दूँ सांसें मैं तेरे बिन रांझना। मुझको छेड़े तूने सजना, मोरे अंगना डाले कैसे डरे। दिल के दर्पण में रहता है अब तो सांझ सवेरे, हर तरफ बस तू ही तू है। मजा कर रही है, दिल में दिलाया कर। बीजी अरे कहो ना, सपने तो सोने दिखा करे। हाँ सपने सोने दिखा दिखा के तो मेसी की इतनी उम्र कर दी है तुसी लोगों ने। पापा सुनिए पापा, अच्छा बताइए कि लड़का थोड़ा बहुत देखने में अच्छा होगा और ईमानदार हो, भोला हो और साथ में अगर चाय वाला हो तो पीएम चलेगा। पापा आ भाई, अरे कबाड़ी
क्या करा गोल्फ क्लब में? बाबूजी गोल्फ क्लब में भी कबाड़ होते हैं। तुझे हम कबाड़ दिख रहे हैं? कबाड़ दिख रहे हैं? दोस्त साले में छोड़ रहे हैं। कबाड़ी कह रहा हूँ मैं। आप छोड़िए ना, क्यों मुंह लग रही है? अब शांति रखो शांति। चले लड़की चोर दिखे क्या साहब? चले आज शाम को लालबाग में समोसा। अरे बेटा जरा समोसा। हाँ चलो चलो। अरे बारापुरिया साहब बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मुबारक हो, आप जैसे लोगों को गोल क्लब की मेंबरशिप मुबारक हो। पापा चलिए छोड़िए जे। मुझे आज जे बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी दुर्लभ शौचालय प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर 25 करोड़ रुपए हो गया है। जी जी 25 जी 4 करोड़। जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग आज जय बुलाई गई कि हमारे चेयरमैन पापा जी कुछ कहना चाह रही हैंगे। ओवर टू पापा जी। बड़ी खुशी की बात हैगी कि कंपनी को फायदा हो रहा है, लेकिन मेरे दिल में एक बात आ रही है, वो भी कहना जरूरी है। और वह बात ये है कि बिजनेस में तो हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन वैसे पिछड़ गए हैं। पिछड़ी कहाँ आएंगे, सब कुछ अच्छा तो चल रहा है। सच्चेरी जी, जी। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि ये बिजनेस थोड़ा बदल दिया जाए, बिजनेस चेंज कर दें और सच्ची मुच्ची में रेस्टोरेंट के बिजनेस में हाथ डालें। अच्छा वाह 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 गजब। जे हमारे चेयरमैन साहब का आइडिया गजब हैगा। अरे जिस काम में एक्सपीरियंस नहीं हैगा वो काम करेंगे कैसे? मैं तो ये कहना चाह रहा हैगा कि टट्टियों का तजुर्बा तो हम सबको हैगा, है ना जी चाची? तो हमें अपना बिजनेस ही कैंटीनिस करना चाहिए। ये बात कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जी बिल्कुल जी, बुढ़िया जी एकदम सही कह रहे हैंगे। मैं उनके साथ हूँ, घर में भी जे बिजनेस में भी। जे कह के मैं भी अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। देखिए मैं इस बात से अग्री करती हूँ दैट मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें अपना बिजनेस चेंज कर लेना चाहिए। रेस्टोरेंट इज सच अ कूल आइडिया पापा। अरे जे क्या कह रही हैगी, ये पागल हो गई है क्या आप लोग? रेस्टोरेंट के बिजनेस के बारे में कुछ पता हैगा? बेटर रसोईया भाग जावे, लाइसेंस, हजार टेंशन हैगी। लोग आवे धीरे धीरे, खावे धीरे धीरे और जावे धीरे धीरे। और जे अपने बिजनेस का तो कुछ अलग ही मजा आएगा। लोग फटाफट आवे फटाफट जावे, ना उनका टाइम वेस्ट ना अपना टाइम वेस्ट। मुझे अपने भांजे पे गर्व हैगा, परफेक्ट बिजनेसमैन हैगा हमारा चमन। तो मेरी तो ये राय हैगी कि हमें अपना बिजनेस ही कैंटीनिस करना चाहिए। बोर्ड की क्या राय हैगी? टट्टिया जय हमारा बिजनेस, जय अपनी पहचान, वोटिंग होगी। चल आप नोट कर लियो। चलो जी जी चलो भाई पिक्चर देखते। मुबारक मुबारक आप जैसे लोगों को गोल क्लब की मेंबरशिप मुबारक मुबारक। जिन लोगों में उठू बैठू वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं नाली का कीड़ा हूं। वो सारा बालापुरिया मुझे ऐसे नीची नजरों से देखे जैसे मैं रास्ते का गिरा हुआ पत्थर हूं। पापा। हाँ बेटा। वो गारमेंट से गोरखपुर में
सात शौचालय का टेंडर पास हुआ आएगा। अच्छा तो कर ले आप, कैंसिल कर दूं? कैंसिल क्यों, ठीक ठाक है ना? तो जिसमें कुशल हो वही काम करो और बड़े शांत स्वागत के साथ धूमधाम से करो। बुलाओ वो भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी को बुलाओ। हे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। हे प्यास बुझाए पानी तन को धोए, सुन मेरे भाई सुन, कार पतरवा जम के बरसो, नैन मेरे तरसे, सांसों की माला का मन का तेरा ही नाम जपे, मन मेरा राम ही राम रटे, 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 मन मेरा राम ही राम रटे। साथियों, अब कच्ची बस्ती बालों को हगने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जो भाई बंधु मग्गे और बाल्टी लेके आए हैंगे, मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूं कि कल से पानी और नल दोनों चालू हैगा। इस मौके पे एक शेर याद आ रहा है, अर्ज करता हूं कि आंखों पर कभी न बांधो पट्टियां, ओ जाने वालों खुले में कभी ना जाओ टट्टियां। अब के जिज्जा जी से निवेदन करता हूं कि वो यहां आए और आपसे दो शब्द कहें। जिज्जा जी दो शब्द। लेडीज बहनों और जेंटलमैन भाइयों, इंग्लिश, हमने हमेशा बड़े बड़े महापुरुषों से सुना हैगा कि जीवन में रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है। एक फिल्म तक बन गई, लेकिन फिल्म में भी कमी थी और महापुरुषों के कहने में भी कमी रह गई। इसलिए हमने इसमें एक चीज और जोड़ दी हैगी, रोटी कपड़ा और मकान और हगने के लिए शौचालय। आपको मालूम है इसके नीचे उतरे बिना क्या हाल होता हैगा? शौचालय नहीं होने से हमारी माता बहने रात का इंतजार करती हैं कि अंधेरा हो तो निपट आए। लेकिन अब आप सिर्फ 2 रुपए में अपने पेट के मलबे से फ्री हो सकते हैंगे। हमारी दुर्लभ शौचालय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने पैकेज डील भी करी हैगी, फैमिली पैक पे भारी छूट, पूरे परिवार के साथ आओ और शहर को गंदगी से बचा लो। हमने आगे की प्लानिंग ये भी कर रही है कि पास में ही हम ठेके दे रहे हैं गोलगप्पे वाले को, पूरी छोले वाले को, कुलचे भटूरे वाले को, खस्ते वाले को, कि वहां पे पहले खाओ और फिर सामने जाओ। अरे भैया, खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया। जय, इस उपलक्ष में हमने एक लक्की ड्रावर भी निकाला हैगा। जे वाह, वही ना। जे आज के विनर हैंगे फजलू खा चूड़ी वाले और चंदू मदारी, जे दोनों जा टट्टी जाकर इसका उद्घाटन करेंगे। बू,
डर गए? क्या देख रहे हो? फिर लेके बैठ गए वो कहानी? एक खुशखबरी है, मेरे ब्रह्मचारी पापा ने तुझे बुलाया है घर। तैयार व्यार हो गया ना, एकदम हीरो लगना चाहिए। चलो अम्मा जा बैठो, पट्टा लगा ले, पट्टा लगा बैठो। बलखाटू के साम जी की जय, बोलबोगा जी पीर की जय, रामराम देव की जय। बीजी चमन के साहब का इकलौता मुंडा है। अरे वो पम्मी की वो पैन के बच्चे आए थे ना, वो ट्रेन से टिकट नहीं मिल रही थी, चमन इसी ने टिकट करवाई थी। अरे बड़ी बड़ी सोर्सें हैं इसकी, पूरे यूपी में करीब बेटा कितने जी 150 150 150 रेस्टोरेंट चल रहे हैं इसके। अंकल अब तो रेलवे बस अड्डा और एयरपोर्ट का काम भी हाथ में ले लिया है। गॉड ब्लेस यू। अगर कुछ काम हो तो बताइए। कि आपके रेस्टोरेंट में क्या क्या स्पेशल बनता है जी? वो अरे पगड़ी स्पेशल क्या होता है? अरे सब कुछ बनता है स्पेशल, क्या नहीं बनता? चाइनीज से लेके तक डोसा ते भटूरा या उड़प्पी। जी जैसे ग्राहक आवे है वैसे आउटगोइंग जावे है। ओए पम्मी, ओए लड़के का थोबड़ा देखती रहेगी या कुछ खाने को भी देगी? जी जी मैं ले लेके जी बादाम चलेंगे चाय तू ले गया। बेटा चमन जी, ये कबाड़िया छत्री होंदे है ना, तुम्हारी स्टेट कितनी है? नाना मैयत रोड। नाना मैयत रोड। मैंने सुना नहीं कभी ये नाम। सुना तो मैंने भी नहीं, शायद अब सुनेंगे भी नहीं। अच्छा खैर बेटा वो क्या है चमन, हमें लड़के के खानदान में बस क्या, ऊंची जात ते ऊंची पात। ते बड़ा खानदान ते बड़ा बिजनेस, इनफ और की चीज है? पर नाश्ता लग गया जी। अरे अरे सर आइए नाश्ता। चलिए चलिए आ जा बेटा। आ बैठ। आ बैठ जा जी। जी कौन हैगा? बैठ जा बैठ जा, दस दिया बैठ। अब बेटा तुझसे क्या छुपाना, ये शैली की बुआ है, मेरी छोटी बहन बबली। इसने ना मारे खानदान दी नाक कटा दीती है, कहंदे भी शर्म आंदी है। एगा ना हरामी कबाड़ी वाला साड़ी बबली नू पका के ले गया है। बबली का तो पिंडदान कर दिया था मैंने, बाकी बचा ये, इसकी तस्वीर मैंने इसलिए लगा रखी है कि ये मुझे याद रहे। जिस दिन ये मुझे मिल गया ना, मैंने इसके टुकड़े 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 कर देने। तभी से मुझे इन कबाड़ियों से नफरत है। शास्त्रों में कहा है आदमी कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, उसकी जात और उसका खानदान असर दिखाई देता है। अरे राक्षसो, मेरा ही घर मिला था डाका डालने के लिए, मैं लूट गया, अब ना हो सक रही है कुछ। कहाँ गई मेरी बहन मीठी,
जे वही मेरा दर्द समझेगी। ये कपड़े लॉन्ड्री में दे देंगे। पंडित जी आप पहले कुड़ी दे ब्याह दा अच्छा सा मुहूर्त निकाल दो। पर लड़के का खानदान और उसके गुण जानने के लिए तो उसकी जन्म कुंडली की बहुत जरूरत होती है। अब वो मंगवा दो आप। उमंग है मेरी जिंदगी है क्या नास्तिकी कटी पतंग है। ए माई कटी पतंग जरा मेरी तारीख बताइयो पैदा होने। अरे मौसम याद नहीं बस आम बहुत खाए तेरे बखत। ए चंदो बटन लग। अब पापा ये तुम ही बता दो कौन सा साल दिन महीना था मेरे पैदा होने का। हर काम मेरे से ही पूछ के करे कोई काम खुद मत करियो। हाँ तेरा काम है तू खुद ही याद रख। अरे जे पैदा तुमने किया याद मैं रखू कि कट्टे आज तू पैदा हो रही है डेट नोट कर ले। किस्मत में अनपढ़ कबाड़ी बाप लिखा था मेरी। तूने बड़ा पढ़ लिया लिखा तो इतने बड़े स्कूल में नाम छठवीं फेल कहीं का। कितनी बार फेल हुआ। अरे तू तो अपनी ड्यूटी कर समझा कर यार याद नहीं है। अरे कसम से अपनी गवर्नमेंट आ गई है जब की गलती का कंपनसेशन दिला देगी। सन 75 के नसबंदी अभियान में बिना नसबंदी छोड़ दिया इन्हें। जे नसबंदी हो जाती तो हम पैदा होने से बच जाते। 100% आपकी नसबंदी की बात कर रही है लौंडा। तो शर्म नहीं आया। अरे जे सच कह रही हूँ। अरे मेरे सामने जब बात कर रही हो मेरे से तो माँ बाप हेंगे त्रिशूल देख लो चे लावारिस। अरे छोड़ मुझे। अरे सही कह रही हूँ मैं तो शर्म नहीं। जी ये यूट्यूब वाले सीक्वल मांगे हैं। सॉरी अंकल हम सब कबाड़ी हैं। मैंने आपसे ये बात बहुत पहले से छुपाई। हमारे पास पैसा है पर पहचान नहीं है। बच्ची देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हाँ यही चीज तो निकालने आए थे हम यहां। मेरी बहू बनोगी। ये बताओ भी लव्स यू मम्मी क्या कीजिए। बे तो सब ठीक हैगा लेकिन मीठी के बच्चे भी चीनी जैसे मणिपुरी होंगे। इस्माइल तो जी हैगी जन्मपत्री। जल्दी करो मेरा भी प्रोजेक्ट है। अरे मीठी कर रही हूँ ना मैं भेंट ना कर सकती तू। कब से तो वेट कर रही हूँ मैं। दिखाओ भैया ये जन्मपत्री तो विराट कोहली की है क्या। किसी भी ढिंग चेक की चलेगी। भैया तू झूठ पर शादी मत कर। मीठी जे प्यार 100% सच्चे वाला हैगा समझ रही है। चल मैं जा रही हूं ठीक है। वाह क्या कुंडली है वाह। अरे ये तो विश्व प्रसिद्ध आदमी बनेगा। अरे क्यों गुरु जी। क्योंकि छक्के मारेगा। बड़े अच्छे पंडित है भी ज्ञानी भी हैंगे बहुत विद्वान लग रहे हैं दोनों जी। बेटा कल तेरे पापा से मिल लेते हैं सब फिक्स कर देते हैं। जी अब मैं क्या बोलूं। चमन जी एक्साइज डिपार्टमेंट में बेटा तेरे को जुगाड़ है क्या। बड़ा लाखों में मिला रहा है यार मुझे सेटलमेंट करवानी है। जी एक छोटा सा रेस्टोरेंट रहेगा पापा की बड़ी जल्दी है वहां पे हम कल ही चल लेंगे और फटाफट काम हो जाएगा आपको।
परदेसी पर। मेरे प्यारे कबाड़ी भाइयों और उनकी प्यारी कबाड़ी बहनों, हम आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद देते हैंगे कि आपने हमारे आदरणीय जिज्जा जी को, मुझे और मेरी जिज्जी को जहां बुला के इतना आदर दिया हैगा। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ इनके बाप की होगी, कम वक्त पैदा होके मर कर लिया थे साले, कीड़े मकोड़े खाएंगे। छे ठीक है साहब, मैं तो जब इनकी शक्लें देखता हूं ना, तो गाड़ी का शीशा नीचे करके इनके मुंह पर सीधा ठोक। साला साला नहीं बेटा, साले से ऊपर माँ की, बहन की, इनके पियो की, मैं तो सबकी गालियां देता हूँ इनको। आप अपनी आंखें बंद कर लो, बस अपनी आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो। क्यों? अरे बड़ी गंदी गंदी शक्लें आएंगी इनकी। मुझे पता है। हाँ ठीक है, लेकिन मुंह खुला रखो, आंखें बंद करो, मुंह खुला रखो, गालियां दो सालों को, थाले में घुमा घुमा के इनको जूता निकाल के ना इनमें। अरे अब भार भार भार। बस चुप कर जाओ, आपको सैली कसम आएगी, अब चुप कर जाओ बस। अरे चले गए गए गए, आप खोल लो है। हमारा कबाड़ी समाज कभी भी हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु में कभी फर्क नहीं करता हैगा। पेपर किसी भी भाषा का हो, चाहे किसी भी भाषा का हो, हम सबको एक ही तराजू पे तौलते हैंगे। अरे ये किसका फोन बज रही आएगा, इतनी तमीज नहीं आएगी कि फोन बंद। हमारा फोन बज रहा है। अरे जिज्जा जी वहां भी और यहां भी। क्यों जिज्जा जी? कुत्ते के पल्ले। तेरी हिम्मत कैसे होगी कबाड़ियों के बैनर पे मेरी फोटो लगाने की? अरे इसमें हिम्मत की क्या बात हो गई जिज्जा जी, वो यहाँ फंक्शन में चीफ गेस्ट बना के बुलाया हमें, तो जिज्जी ने कहा आपका फोटो लगवा दें, बिरादरी में धाक जम जावेगी। चुप साले। मैं बड़े लोगों के बीच में अपनी इज्जत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू मुझे टांग पकड़ के नीचे खींचने पे तुला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी बच्ची की शादी बड़े लोगों में हो जाए। मुझे फंसा दिया जिज्जी आपने। जिज्जा जी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो जिज्जी ने कहा कि बच्चों के रिश्तों के लिए अपनी बिरादरी के भी दो चार रखते हैंगे ना। कुत्ते के पल्ले एक बात सुन ले, अगर तूने ऐसा किया, मेरी बात नहीं मानी ना, तो भां बबली का भाई अरोड़ा अब भी गाड़ी में बैठा है, मैं जाके बता दूंगा। बबली तेरी लैब से आउट हो जाएगी साले, इतना ध्यान रखना। मैं ऑटोग्राफ बाद में। भाई लोगों, आप लोग शांति बनाए रख के। चंदो, ये क्या तमाशा है? कौन सा तमाशा? तूने कबाड़ियों की सभा में अपना और मेरा फोटो लगवा दिया। अरे अगर अरोना देख लिया तो, क्लब वालों ने देख लिया तो, हैं? तो हम सबकी जिंदगी क्यों सत्यानाश करने पे तुली आएगी? कल्लू, जे मूवी देख रहा है क्या? हाँ देख रहा हूँ, लेकिन मैंने जो कई बो तेरे समझ में आई कि नहीं? ये नदी बैसी की बैसी है, वो देख मंदिर वैसे का वैसा है, कुछ भी नहीं बदला, बस तू बदल गया है क्या कल्लू? बदल गया तो ये लग रहा हूं मैं बदल गया। ठीक है, जब मैं दिखलाता हूँ कि मैं कितना बदल गया। आ तो सही मेरे साथ आ, फिर मैं तुझे दिखलाता हूँ।
सब कुछ वही है। देख ले, जिन घंटों बैठा रहकर, घंटों बैठा रहता हूं, अपने आप को याद दिलाता रहता हूं, कल्लू जे था तू और जे ही हैगा। ये सब अच्छा लगता है क्या ना तुझे? हमेशा से अच्छा लगा, हरदम ऐसा लगा कि जैसे बाहर आ गई। मुझे लगा तू मुझसे नाराज आएगा। कुछ टाइम के लिए हो जाता हूं, हमेशा के लिए थोड़ी हो सकता हूं। बता ना, तुझसे हमेशा के लिए नाराज हो सकता हूं मैं? अरे नाराज होके कहां जाऊंगा, बोलना। नाराज होके जिंदा रह पाऊंगा मैं? और क्या जिंदा रहना पसंद करूंगा तेरे बगैर ना? तू नहीं है तो जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, तू है तो जिंदगी है, और तू नहीं है तो कुछ नहीं। चंदो, मैंने भी हमेशा तेरी पूजा की है। तेरे जैसा ज्ञानी, ईमानदार, मेहनती और हैंडसम लैंडा मैंने कभी नहीं देखा। तो देख, पार्लर वाले भी इतना अच्छा नहीं तुझे सजा सकते जितना चंदो मैं सजाता हूं। जीजी, अब आ भी जाओ नीचे इस मृत्यु लोक में, खाना ठंडा हो रहा है और भेजा गरम। कितने केले खाऊंगा मैं? वन लास्ट। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वाह, बहुत मशहूर शेर है जी। बीच में वाह नहीं है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मेले से लौट कर गिने तो साले दो बच्चे कम निकले। वाह वाह वाह, क्या बात है। चंदू चाचा। हाँ बेटा। क्या हुआ? भैया मुबारक हो, बड़ा हो गया लौंडा। ला भाई मुझके अंबर रे। शाबाश बेटा शाबाश, शर्माओ मत, इस उम्र में सबको ये होता है। ये ऐसी बला है मुश्के अंबर। देखो बेटा, ये मैंने दिया था अपने कल्लू के साले भूरिया को। तीन दिन में जो असर हुआ ना, बबली के इश्क में पागल हो गया हैगा और शायर बन गया। अरे वाह, उसका एक शेर अर्ज कर रहा हूं अब। इरशाद, दुनिया में आए करके जाएं कुछ ऐसा काम कि जिस गली से भी गुजरे बच्चे कहें अब्बा सलाम, अब्बा सलाम। ये क्या, जहां मेरे लिए क्या मिलेगा? ये भूरिया की गड्डी जहां रुक गई शॉपिंग वहीं। पर अपना पहले का वही ठाकुर कट पीस चलते हैं ना। चल तेरे लिए कुछ ले लेते हैं ना भूरिया।
को स्वामी जी हमेशा कहते हैं, इसे एक बार फिर सुन लीजिए। अरे ये तो थान बेच रहे हैं। इधर रेडीमेड कुछ नहीं मिलता है क्या? ऊपर भी है, ऊपर चलते हैं। अरे ये तो चड्डी भी बेचते हैं। जीवन क्या है? जीवन ऊर्जा का पुंज है और स्त्री पूरी की पूरी ऊर्जा खींच लेती है। अरे जी अच्छी लग रही। मैं तो जहां से लूंगा कुछ दिखा दे। दोनों झोले ले लिए? ये रही। क्या हुआ? ये पैसे दीजिए ना। ओ ये बाद में लेके जाएंगे। भाग बबली। अरे बबली फिर जी गल सुन। मैं क्या कहा बबली? ए पकड़ 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 बबली। मैं क्या कहा? बबली तो बड़ी खुश लग रही है। मुंडा भी बड़ा चंगा हैगा। उम्र दिखन लग गई है बबली दी। चौहान बेटा जी मेरा एक काम करेगा? हो जाएगा पापा जी। ले ले रख। पापा जी मैं सुपारी नहीं खाता हूँ। एक खान वाली सुपारी नहीं है, एक देने वाली सुपारी है। मुझे इन दोनों का ऑनर करेंगे। सुपारी दे दी है ये। तुम खाओ। नहीं तुम खाओ प्लीज। जिनने सगबाजी करनी है ना कर ले मामू। तुम्हारी सुपारी दे दी गई है। जे क्या? बिल्कुल जीजे पे गया है तू। वो भी बहुत सुपारी खाते थे। जे मजाक चल लिया हैगा। जे अरोड़ा नहीं छोड़ रही है तुम दोनों को। जे ध्यान रखना तुम दोनों अंदर जा रही हो के अंतर्गत। चमन चमन तू कहां रहा है? अरे मुझे बहुत जोर की प्रेशर लगी है। तेरे को भी रखना तो फिर चलना है सदम। समझता नहीं है बात को। अरे ये पम्मी का छोले ना। हाँ पेट में छोले भर गया। अरे बाबूजी। अरे डालरिन मैं वापस लगा रहा हूँ। अरे पेमेंट कर कर जाइए। अबे इमरजेंसी है बड़ी जोर से आ रही है। समझता क्यों नहीं है? मेरे पास चेंज नहीं है। अब निकलूंगा कहीं से ना। हमने उनके इंतजार में जिंदगी गुजार दी पर वो नहीं लौट कर आया जिसने टट्टी उधार की। देख देख अगर। अरे चमन सेठ आ गए। इतना सेठ है? ऊपर देख लो बाबूजी बोर्ड पूरे यूपी में 150% आए इनकी। ये बिजनेस है इसका। आप तो बहुत जल्दी में थे बाबूजी। सटक गए। रख अटक गई। ओ सर बढ़िया। जरा आइए साइड में वो बात करनी है कि
जरा शौचालय पे भी एक सिक्योरिटी लगा दो ना। मेशी आलू मेश हो गया कि नहीं तेरे? हाँ जी हाँ, बस दो मिनट। हेलो, कहाँ चली जाती है तू यार? हैं? जब कोई जरूरी काम होता है ना, तू पता नहीं किसे चली जाती है। ओ किया ना, बीजी मटर छील रही आई है और मेशी आलू मेश कर रही है। मैं छोले भटूरे पर आ रही हूँ, तुहानू तो पता है ना चमन नू बहुत पसंद है, तो वो आ रहा है ना। चमन की तो जूते लगाऊ मैं इसमें चमन में? ये एक नंबर का फ्रॉड है, समझी कि नहीं? आपको कोई गलत फहमी हो सकती। इसकी कोई रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट की चेन नहीं है, टट्टी से व्यापार करता है सुअर, टट्टी से व्यापार। तमें लोगे? हाँ, पता नहीं कौन है, आधे घंटे से अंदर है, औरतों की आवाज भी आ रही है सर। कौन है अंदर पता नहीं सर। अरे भाई निकल ले। अरे भाई कौन हैगा ऐसा? ओ भाई दरवाजा खोल। अरे चाचा खोल तो दरवाजा बाबूजी। अबे रुक जरा। क्या कह रहे हो जी? अरे तुझसे नहीं कह रहा हूँ भाई। ओ बाबूजी बाहर निकलोगे कि अंदर ही बिस्तर लगवा दूँ? अरे पानी नहीं अंदर। अब पानी नहीं है, तू बाहर निकल, पानी पिलाता हूँ तुझे, बाहर निकल। पुलिस में दे दूंगा मैं इसे। अरे पुलिस को तो हम बुलाएंगे, ये सब काम करते हो तुम यहाँ पे? क्यों है यहाँ अंदर? क्यों है यहाँ? अरे तुम बाहर निकलो यार। पापा 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 वो पापा जी मैं जे कह रहा था वो कि तेरे पूरे शहर भर में रेस्टोरेंट की चेन है पर तेरी पूरे शहर भर में टट्टियों की चेन है। मेरी बेटी को धोखा दे रहा था। हट हट साले। सर जग हुआ बारी मगर मैं खुश रहूं जो संग तू। जग हुआ बरी मगर मैं खुश रहूं जो संग तू। सब लगे बेरंग सा है अब मेरा हर रंग तू। जैसे तू महकती कोई पवन जो देखूं तुझे हो जाऊं मगन। एक बार तो आजा दिल जोड़ जरा। सजना वे तेरी आवे यादा, तेरी आवे यादा मैनू आवे रे। सजना वे तेरे बिन नहीं लगदा दिल, नहीं लगदा दिल मेरा। सजना रेतू के थे टीले खोज गवाए जिसके खातिर वो ही हमको भूले। उसका चेहरा उसकी बातें खुद में ही मैं टूटू लूं। मेरा साया मुझसे खोया कैसे मैं किसे को बोलूं। काश सांसें छोड़ दे मुझको आज अभी मर जाऊं। लो भैया गल्लोबात, इधर तो शादी की तैयारियां हो रही हैं। लट्टू जलेंगे, बैंड बजेंगे, खाने पकेंगे इत्यादि इत्यादि।
जगमग तारों की बारात चले, दोनों के दिल के तारे मिले। सजना वे ओ सजना वे। ये सब नहीं चलेगा, सानो सौकत में कमी नहीं होनी चाहिए, पैसा पानी की तरह बहा दो, समझे? जब मैंने पहले ही बोल दिया। हाँ बेटा, वो मैं ये कहना चाह रहा था। अरे बेटा, तेरी शादी हो रही हैगी और तू ऐसे टुच्चे से कपड़ों में घूम रहा है, है? अरे बेटा, जाके डिजाइनर कपड़े पहनो, है? सच्ची में गुच्ची मुच्ची के कपड़े पहनो। अरे चल, तू पहन जल्दी से, आके आ जा। मैडम लिखती चला जाओ आप। देख शैली, सुन, उस लड़के ने तेरे को पहले ही सब कुछ बता दिया था ना, इसका मतलब ये है कि वो लड़का तुम्हारे लिए ईमानदार है, तुमको प्यार करता है, तुम्हें उसका साथ देना ही चाहिए, ठीक है? देख परविंदर, इस तो पहले कि इसको भी मैशी की तरह से टच सिंड्रोम का रोग हो जावे, इसको जाने दो। सुन शैली, तू बिल्कुल ठीक कर रही है, अगर तू आज रुक गई ना तो तरस जाएगी, चली जाए यहाँ से। देख बेटा, भगवान किशन ने भी तो सुभद्रा को भगाया था ना, अरे हम सारे परिवार का तेरे साथ सपोर्ट है, तू जा। ओए परमिंदर, ओ शैली, ओए किथे हो भाई? मैदाने की पार्टी दी है, लेकिन मैंने जो पार्टी देनी है ना, कहाँ की तैयारी हो रही है? वो पापा जी, शादी की तारीख आ गई है। किसकी शादी की तारीख आ गई है? तू तू चमन की गल कर रही है, उस गटर की? देख शैली, तूने प्रॉमिस किया था हमसे कि तू उसके घर की तरफ देखेगी भी नहीं, यही करके मैंने उन सबको छोड़ दिया, नहीं तो मैं केके की धज्जियां उड़ाई था। देखो जी, उस वक्त ना ऐ डरी हुई सी और इन्हू तो अपनी सुध नहीं थी, मैंने इसको कहा तू थोड़ी ठंड रख, थोड़ा टाइम बीत जाने दे, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। क्या रास्ता निकल आएगा? हाँ देखो, रास्ता तो निकल आया ना। क्या निकल आया रास्ता? पापा जी, मैं चुपचाप से भी भाग सकती थी। अच्छा? घर की लेडीज का पूरा सपोर्ट था मेरे पास, लेकिन जमाना बदल गया और मैं बता के जा रही हूँ। अच्छा, तू समझाएगी मुझे कि जमाना बदल गया है? ये सही कह रही है। अरे ये पुलिस के पास भी जा सकती थी, मगर नहीं गई। ये मेरे खिलाफ पुलिस में, तू मेरे खिलाफ पुलिस में जाएगी? राजिंदर, तेनू पता हैगा कि आजकल औरतों के सपोर्ट के लिए बहुत सख्त कानून बन गए हैं। ए नहीं, परमिंदर भी चाहे तो तेरे खिलाफ रेप का केस लगा सकती है। कैसी बातें कर रही है आप? तू मुझ पे रेप का केस लगाएगी? तुसी ना बीजी की बात ना सुनो। देखो बीजी, डिस्करेज ना करो अरुणा जी को, तुसी तो जो मना है वो करो, करो जी। चुप चुप करो और तू कान खोल के सुन ले, अगर तूने घर से बाहर कदम भी निकाला ना, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। क्यों, क्या कर लोगे आप? अरे क्या कर लूंगा मैं, मुझसे तेरी क्या कर लूंगा? नहीं, मेरा मतलब है कि इससे पहले कोई और आपको बताए, मैं ही आपको बता देती हूँ। क्या? ये चमन के पापा केके साहब कल्लू कबाड़ी है और उसकी मम्मी कूड़ा बीनती थी, और चमन के मामा बबली बुआ के पति है और वो बहुत खुश हैं। कितना बड़ा खानदान, कमाल है। वहां भेज रही हो तुम वहां भेज रही हो उसको, शर्म है कि नहीं? अरे राजेंद्र, जिंदगी एक विचार है और विचार अगर ठहर जाए ना तो जिंदगी सड़ जाती है। तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है, मैं इलाज करता हूं। तू मैं चिंता मत, ना ना, तू रहने दे। ओ एमी गल,
यार मिलो मिलो तो मुझे अभी। जी जी बहुत जरूरी काम है मुझे। अबे लांडे इधर आप, कहाँ तुम्हारा कल्लू कबाड़ी? जे आप के साहब को खोज रहे हैंगे तो आपको इधर से राइट में जाके फिर लेफ्ट में मुड़ के फिर नीचे सीढ़ियों से जाके ऊपर टेरेस पे खोजेंगे फिर भी ना मिलेंगे कल्लू कबाड़ी। लगता है राजपास हो गया है और बहुत बड़ा कांड होने वाला आएगा। ओ बबली 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 तुझे पता है क्या हुआ? तेरे भाई साहब मेरे जीजा को बड़े गुस्से में खोज रहे हैंगे। हाँ अरे वो आ गए, ले तू भी छुपा ले। अरे वो जमींदार साहब इधर आइए, आप ही को बुला रहा हूं। इधर भैया आ रहे टट्टी के सौदागर गडर के शहंशाह। सूट बूट पहनने का लेकिन औकात हुई है, ऐसा लग रहा है टट्टी का ठेला हांक रहे। यही औकात दिखाने के लिए आपको मैं यहाँ ले गया है। अजय अरोड़ा जी क्या हो गया है का? तुझसे मुझे बात ही नहीं करनी, जा तू कचरा बीन निकल यहाँ से। अरोड़ा साहब थोड़ा तमीज के दायरे में रह के बात कीजिएगा। तू हमें तमीज सिखाएगा? अबे तेरी क्या औकात है तू हमें तमीज सिखाएगा? हैं वो चक्के कहीं के झूठे अपने आप को जमींदार कहता है और तू है दो दो कौड़ी का कबाड़ी कहीं का? कल्लू को गाली ना देना नहीं तो वहीं जाके कचरे में गाड़ाऊंगी। अरे चल चल तुझसे बात नहीं करनी मुझे, मैं औकात से बात ही नहीं करता, निकल यहां से। मेरी मैसेज के लिए एक वर्ड बोला ना तो ठीक बात नहीं होगी समझे आप? अरे क्या ठीक होगा, क्या ठीक नहीं होगा? साले दो कौड़ी के नाली के कीड़े तुम्हें शर्म नहीं आती? कुत्ते कहीं के साले चुप बस चुप चुप, एक शब्द भी निकाला ना जहीं के जहीं जमीन में गाड़ दूंगा। सुन रही आएगा जे पापा आएंगे मेरे कोई चोर लुटेरे नहीं आएंगे, उठाई गिरे नहीं आएंगे, हम कबाड़ी जरूर आएंगे पर मेरे पापा ने हमें इज्जत की रोटी खानी सिखाई हैगी। जे चाहते ना तो हमें चोरी चकारी भी सिखा सकते थे। सरकार में टैक्स देते हैं हम लोग, सुन रही हो? अरोड़ा साहब जब पेट में रोटी ना हो ना और सर पे छत ना हो तब जाके ईमानदारी दिखाइयो, तब जानेंगे हम लोग। मेरे पापा पे मुझे गर्व हैगा, जे हीरो होंगे मेरे पापा। चलो यार जहां से बेटा आज मुझे तेरे पे बड़ा नाज फील हो रहा है, तुझ पे बड़ा नाज आ रहा है मुझे के तूने मेरे जैसे कबाड़ी बाप को भी इतनी इज्जत दी। वो कबाड़ी जो ऐसे बड़े बड़े साहब लोगों के साथ बैठने के चक्कर में अपनी कबाड़ी बिरादरी को भूल गया है, गैरों को खुश करने के चक्कर में अपनों को भुला बैठा, रुट गए अपने, जय कमी रह गई। चलो बेटा चलो आ जाओ बेटा चल कर। चल चंदा पापा जी मम्मी जी। शैली क्या आप मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे?
अरोड़ा जी, आपकी फैमिली में एक और कावाड़ी दामाद की एंट्री मुबारक हो। बनाएंगे बनाएंगे भगाएंगे 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 भगाएंगे। ये तो मेरी बहन बोले के बाबा है बबली। भागेंगे 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 बबली बबली बबली। अरे कहाँ भाग रहे तुम दोनों? अरे तुम लोग को भगा थोड़ी रहा हूँ, अरे तुम्हारे साथ हूँ भाई। अरे बाबा बाबा, अच्छा तो फिर तो इस बात में हो जाए छज्जू चाचा के। नहीं नहीं नहीं, छज्जू चाचा के नहीं, पूरे कबाड़ी समाज के। तो भाई सुन लो, पूरे कबाड़ी समाज के। भैया जाते जाते एक ही बात कहूंगा, जैसे इनके दिन फिरे हैं ना, भगवान आपके दिन भी फिराए। बहू कुछ काम से आई थी या सिर्फ पादने आई थी? भाई वाह गजब, आज की औरत के हौसलों की दाद देता हूं मैं। वाह मर्दों की बराबरी। हरी कथा तुलसी दुर्लभ दो, ढूंढत दुर्लभ मिलिया, ढूंढत ढूंढत दुर्लभ। शैली अब अपने बिजनेस को हाईटेक बनाने में जुटी है, सारा काम खुद संभाल लिया खुशी से। लक्की चमन, यू आर वेरी लक्की। जे हसरतों के दाग जिज्जा जी ने लॉन्ड्री में धो दिए। चन्नू मिया, क्यों कौन चन्नू मिया? हाँ हाँ, अरे जो तुमने वो हसरतों का सुरमा दिया था ना हमें, वो खत्म सा हो रहा है, इसलिए एक नई सीसी थमा दो। बिल्कुल दार, उसका असर तो तुमने देख ही लिया ना, अब देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो तुम। क्या है कि वो सुरमा जो है ना, वो बड़ा बेचैन रखता है, रूह तड़पती रहती है। ये चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, वो बंगला चाहिए, फिर उसके बाद वो वाला चाहिए, तो उसका तो कोई सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता है। ओ आप इस बार मेरे कहने पे मोहब्बत का इत्र ट्राई कीजिए। देखिए मोहब्बत की दुनिया में बहुत कमी है, हर जगह लड़ाई झगड़े मार पीट ये वो बमबाजी। तो खुदा के यहाँ जाओगे ना तो बहुत मोहब्बत मिलेगी कि भाई तुम मोहब्बत बांट के आए हो, उस इत्र को फैलाओ दुनिया में। अरे चन्मिया, मुझे बहुत बड़े बड़े वाले काम करने हैंगे, इसलिए तुम तो एक काम करो, मुझे तो एक नई सीसी थमा दो हसरतों को सुरमे की, बस। जीजा जी गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, बस। चीची से शिकायत करनी पड़ेगी। जहां भी कोई नहीं है, इस सुहाने सफर में लगता है जीजा जी को गैस का चक्कर हो गया है। बुढ़िया की समझ में नहीं आ रहा, क्या जीजा जी आखिर बातें किससे करते हैं? नजर तो कोई आई नहीं रहा है। कितनी बार कहा है गैस की गोली ज्यादा नहीं खाने का। चलिए